नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो जो समय करीब आ रहा है, वही भारत के कोने कोने से अपने अपने सामर्थ्य के साथ राम मंदिर पहुंच रहे हैं। कुछ तो पद यात्रा करके ही राम मंदिर पहुंच रहे हैं। कर्नाटक से चलकर आए गांधी की वेशभूषा में ही राम भक्ति में लीन अयोध्या में पहुंचे राम राग को दिल से लगाए हुए 9 दिसंबर को यात्रा शुरू किया, जिससे अयोध्या में जाकर रोका। 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे अयोध्या। पेश एक रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में दिए जाने वाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार, नंबर एक सोने के कलश और धनुष बाण। पटना के हनुमान गढ़ी मंदिर की ओर से अयोध्या के राम मंदिर को 10 करोड़ रुपए सोने का कलश और सोने का धनुष बाण भेंट किया गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भेंट है। नंबर दो सोने की चरण पादुका। 64 वर्ष के छल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने सोने और चांदी से बनी 8 किलो की चरण पादुका को अपने सिर पर रख नंगे पांव हैदराबाद से अयोध्या आए और योगी आदित्यनाथ को चरण पादुका भेंट किया। आपको बता दूं कि ये उस रास्ते से पैदल चलकर आए जिस रास्ते से भगवान श्री राम रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचे थे। नंबर तीन 600 किलो घी। राजस्थान के जोधपुर से अयोध्या के राम मंदिर के लिए 600 किलो घी 108 कलशों में रखकर जोधपुर से 5 रथों में अयोध्या लाया गया। इस घी से भगवान श्री राम का अभिषेक किया जाएगा और 22 तारीख को इस घी से पूरे अयोध्या राम मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। नंबर चार 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गुजरात से अयोध्या आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। इसे दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दूं कि इस अगरबत्ती को बनाने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा है और इसकी लागत लगभग 3 से 4 लाख पड़ी है। कहा जाता है यह अगरबत्ती 1.5 से 2 महीने तक जलेगी और आसपास के 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी खुशबू से भक्तों का मन मोहेगी। नंबर 5 400 किलो का ताला। अलीगढ़ के एक बुजुर्ग जोड़े सत्य प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 400 किलो का ताला भेंट किया। आपको बता दूं कि इस ताले को बनाने में 6 महीने का समय लगा। बात करें इसकी लंबाई की तो वो 10 फीट है और इसकी चौड़ाई 4 फीट है। नंबर 6 9 देशों का समय बताने वाली घड़ी। लखनऊ के अनिल साहू ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक अनोखी घड़ी बनाकर भेंट की है जो 9 देशों का समय बताती है। ये दुनिया की पहली घड़ी होगी जो 9 देशों का समय बताती है। नंबर 7 1100 किलो का दीप। अयोध्या के राम मंदिर के लिए गुजरात के वडोदरा से 1100 किलो का विशाल दीप पहुंचा। यह दीप इतना विशाल है कि इस दीप में 500 किलो घी समा सकता है। इस दीप को जलाने के लिए 15 किलो रुई का बाती बनाई गई है। कहा जाता है इस दीप को जब जलाया जाएगा तो ये लगभग 2 से 2.5 महीने तक जलेगी और इसे केवल शुद्ध घी से जलाया जाएगा। दोस्तों, हमें सामने एक राम भक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गांधी के लुक में है, आप देख सकते हैं, और हाथ में इन्होंने लठिया ली हुई है और श्री राम जी का भी जो है पोस्टर लिया हुआ है, और देख सकते हैं चाल भी बिल्कुल इनकी जो है गांधी जी जैसी है। और जानते हैं इनते कहां से कहां तक जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये अयोध्या जा रहे हैं, तो आइए हम इनसे जो बात करते हैं। उन्होंने देखी घड़ी भी बांधी हुई है अपने समय के लिए, ये देखिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या मंदिर जा रहे हैं। अयोध्या मंदिर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मुतल्ला किरलापुर है। तो कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक राज्य गदग डिस्ट्रिक्ट रोहा तालुक करकीकट्टी ग्राम है। तो ये कितना किलोमीटर होगा लगभग? हाँ जी। कितना किलोमीटर होगा? ये कितना किलोमीटर होगा पूरा? टोटल 2000 किलोमीटर है सर। 2000 किलोमीटर? 2000 किलोमीटर। तो आप दिन में लगभग कितना किलोमीटर चल लेते हैं? कम से कम 40 आया, 50 आया, 60 आया। 40-50-60 किलोमीटर डेली चल रहे हैं? अरे वाह। तो आप कितने तारीख को निकले थे? 9 दिसंबर को निकले हुए थे। तो आपको तो जो है 1 महीना से भी ऊपर हो गया। 1 महीना 8 दिन हो गए। 1 महीना 8 दिन हो गए। अरे वाह, धन्य। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने गांधी जी जैसा लुक बनाया हुआ है एकदम बिल्कुल, तो इसके पीछे वजह क्या है आपकी? और आपने बड़ा सुंदर यहाँ पर संदेश लिखे हुए हैं, आइए शराब मुक्त देश बनाए, पर्यावरण बचाएं, मिट्टी बचाएं, पानी बचाएं, भ्रूण हत्या रोकें, वन्य जीवन बचाएं, पशु क्रूरता रोकें, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आपने ये जो संदेश लिखे हुए हैं अपने उस पर, आप लोगों के लिए कॉलेज और हाईस्कूल विद्यार्थियों सभी अभियान करके जा रहे हैं सर। और आपने ये भी लिखा हुआ है, घर छोड़े तो परवाह नहीं मगर लक्ष्य नहीं छोड़े। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो
जरूर है ना, आज दुनिया को भी स्टूडेंट को वालों को भी बहुत जरूर है। घर चढ़ा तो परवान है, वो हमारा जाने का रास्ता बुरी नहीं छोड़ेगा ना जी, इसके लिए उसको भी अवेयर करता है रहता है। यानी कि आपका कहने का मतलब अगर आप जो स्टूडेंट हो पढ़ने निकले तो अपना घर छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन उस लक्ष्य को नहीं छोड़े, पढ़े कुछ बने। इसी प्रकार से आपने भी अपना लक्ष्य लिया हुआ है कि आप जो राम मंदिर के लिए जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। टोटल है मेरा संकल्प था जो हजार किलोमीटर जाने के लिए संकल्प रहा। भारत देश बहुत बहुत राम राज होने के संकल्प है और सब लोगों ने प्यार से रहने का ये संकल्प है। अरे वाह क्या बात है, और आपने घड़ी भी बांधी हुई है जैसे गांधी जी भी शायद ऐसे घड़ी ही रखते होंगे। और आपका पूरा लुक क्यों इनका बिल्कुल गांधी जी जैसा लुक नहीं लग रहा है, एकदम लग रहा है ना। तो आपको खाने पीने कोई दिक्कत नहीं आ रही सर? ये तो राम राज है ना। हाँ। सब लोग बहुत मेरे को स्वागत कर रहा है। अच्छा, सब लोग स्वागत कर रहा है और गौरव दिया है। हम डेली हमारा कर्नाटक से नहीं तो और दूसरा टेस्ट में स्टेट को भी बहुत लोग फोन करता है मेरे को भी, बाबा आपका सेवा ये जरूर बहुत अच्छा हो गया, आपको बहुत पसंद आ गया। अरे वाह क्या बात है, इन्होंने बड़े ही सुंदर सुंदर जो इस पर संदेश भी लिखे हुए हैं और आपने लिखा हुआ है समाज सेवा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मेरा अत्यंत भाई है प्रदीप गौड़ा कर्नाटक का कंडक्टर, वो भी फोन करते हैं, सब लोग फोन करते हैं मेरे के बारे में सब लोग। तो आप महाराज जी जो है समाज सेवा भी करते हैं? समाज सेवा भी आप खास भी ऐसे रहे हैं जैसे गांधी जी सामने आ गए हो बिल्कुल। तो आपको नमन है, आपको वंदन है, आप अपनी मंजिल तक जो है पहुंचिए, आप लगभग बस पहुंचने ही वाले हैं।